दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटटोरेंट कॉइन के बारे में। दोस्तों आप सबके मन में यही सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या बिटटोरेंट रुपीज़ एक तक कब तक जाएगा या नहीं। आज की इस वीडियो में पूरी एक एक प्रोसेस बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो कि बहुत सारे लोग के मतलब होल्ड करके रखे हैं रुपीज़ एक तक कब तक 2022 में होगा या नहीं, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने ही रिस्क पर इस पर इन्वेस्टमेंट करना, किसी प्रकार का आपका लॉस हो जाता है उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं हम BTTC कॉइन के बारे में। पहले क्या था, BTT कॉइन के नाम से इसको जानते थे, फिर इसको रिनेम कर किया गया BTTC कॉइन के नाम से। और दोस्तों यहाँ पे जो पहले यहाँ पे कॉइन खरीद कर रखे थे BitTorrent के यानी BTT कॉइन पे, तो वहाँ पे इस समय BitTorrent पे बहुत लोगों का कॉइन हट गया था और मतलब कि बहुत वहाँ पे बहुत लोग परेशान थे। और यहाँ पे अब फिर कुछ दिन बाद वहाँ इसका मतलब मैटर रिसॉल्व कर दिया गया है। तो रही बात 2022 में BitTorrent जो BTTC कॉइन है वो 2022 में रुपीज़ एक तक जाएगा या नहीं, तो चलिए अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट है इस समय सारा डंप चल रहा है और यहाँ पे सब बिटकॉइन भी यहाँ पे कुछ इसकी प्राइस गिरा हुआ है। मतलब कि क्रिप्टो करेंसी की पूरी रिलेटेड सब न्यूज़ मतलब कि जो भी है सब डीप चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है हमारी 2022 के एंडिंग तक तो रुपीज़ एक तक जाएगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, BitTorrent जो है यहाँ पे जो Web3 है, Web3 का जो इसका प्रोसेस चालू किया गया था यहाँ पे, जब तक ये बर्निंग नहीं होगा और लिस्टिंग नहीं होगा तब तक ये रुपीज़ मतलब कि जितना इसकी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा तब तक ये रुपीज़ एक तक नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसकी कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पे जाने के लिए, मतलब कि 2022 के लास्ट एंडिंग तक यहाँ पे रुपीज़ एक तक, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्राइस परफॉर्मेंस इस समय देखने को मिल रहा है इस समय बहुत काफ़ी कम है। और यहाँ पे डॉलर पे भी मतलब कि यहाँ पे 1-2-0 किल करता है तो आने वाले समय में इसकी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर BitTorrent पे बहुत लोग यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी उनको मतलब कि यहाँ पे 1 रुपीज़ का वेट करना है कब तक जाएगा। तो दोस्तों मतलब कि अभी लास्ट एंडिंग तक जैसे ही लिस्टिंग होता है और बर्निंग भी ज़रूरी है और यहाँ पे Web3 का भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रुपीज़ एक तक जाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता BitTorrent पे। BitTorrent का कब पाशा पलट जाए कोई नहीं जानता, इसलिए अभी तो होल्ड ही रखना बेटर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे BitTorrent पे अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो मतलब कि आपको लॉस हुआ है प्रॉफिट, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। तो कुछ उम्मीदें हैं 2022 के लास्ट एंडिंग तक, अभी तो कुछ दिन पहले लग रहा था अभी फरवरी में तो फरवरी में क्रिप्टो मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। इसी तरह के क्रिप्टो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों BitTorrent से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो आपको लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट इसके बारे में जो भी आपके मन में क्यूरियस है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए फिर रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।